भूल जाते हैं आप लोग, बोले सुभान अल्लाह, इससे मुझे हौसला मिलेगा तो कुछ देर आपकी खिदमत कर सकूंगा। पेश करता हूँ बतौर खास के माना के बहुत मेरे गुन है गावर है यहाँ के, गुन है गावर है यहाँ के, माना के बहुत मेरे गुन है गावर है यहाँ के, माना के बहुत मेरे गुन है गावर है यहाँ के, फिर भी तेरे नबी की तलब गार है यहाँ के, फिर भी तेरे नबी की तलब गार है यहाँ के, फिर भी तेरे नबी की तलब गार है यहाँ के। ये शेर बतौर खास मुलाजा फरमाए के यहाँ दर पे बुला लो या बसारत मेरी ले लो, बसारत मेरी ले लो यहाँ दर पे बुला लो या बसारत मेरी ले लो, बसारत मेरी ले लो या दर देखा न मदीना तो ये बेकार है यहाँ के, देखा न मदीना तो ये बेकार है यहाँ के, देखा न मदीना तो ये बेकार है यहाँ के। माशाल्लाह स्टेज बहुत बेदार है, लेकिन आप लोगों से शिकायत है कि आप लोग भी कम से कम नोट से नहीं तो होंठ से जरूर नवाजें, कम से कम सुभान अल्लाह की सदाए बुलंद करें ताकि मुझे हौसला मिले और पढ़ने वाले लोग और जो मुकर्रिन हजरात हैं उनको हौसला मिले। आइए चार मिसरे और पेश करता हूँ बतौर खास मुलाजा फरमाए। हाफिज अंसारुल साहब की मोहब्बत और मेरी हाजिरी, शुक्रिया हाफिज अंसारुल साहब की मोहब्बत और मेरी हाजिरी। चार मिसरे पढ़ता हूँ बतौर खास मुलाजा फरमाए कि शराफत खींच लाई है। अच्छा अच्छा, मैं देखना ये चाह रहा हूँ कि इस मजमे में लौतन के कितने लोग हैं, थोड़ा सा हाथ उठा के बताएं। लौतन के लोग यहाँ कितने हजरात हैं? माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, सदर साहब नहीं है, तशरीफ फरमा, आफताब साहब नहीं है, मुखिया जी। अच्छा मुखिया जी, तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो तो आप यहाँ तक आ जाए ताकि सारे लोग आपके मुंतजिर हैं, आपका दीदार हासिल हो जाए। पेश करता हूँ सदर मोहतरम, तशरीफ रखते हैं इंशाल्लाह इस चार मिसरे में सदर मोहतरम की दुआएं मुझे मिलेंगी। पेश करता हूँ बतौर खास मुलाजम इनायत खींच लाई है। चौथा मिसरा आप तक पहुंचे, तीसरा मिसरा मौलाना अंसारुल हक साहब आपकी मोहब्बत भरी दावत और मेरी हाजिरी, तीसरा मिसरा आपके हवाले सदर मोहतरम के हवाले और चौथा मिसरा पूरे लौतन वालों के हवाले पेश करता हूं बतौर खास के शराफत खींच लाई है, इनायत खींच लाई है, नहीं जिसकी ही कोई कीमत, नहीं जिसकी ही कोई कीमत, नहीं जिसकी ही कोई कीमत, ओ चाहत की चलाई है, शरफत की चलाई है, इनायत की चलाई है, नहीं जिसकी ही कोई कीमत, ओ चाहत की चलाई है, के मौलाना अंसारुल का
मोहतर वालों की, मुझे तो आप लोगों की मोहब्बत की चलाई है, मुझे तो आप लोगों की, मुझे तो लोहतर वालों की मोहब्बत की चलाई है, शराफत की चलाई है, इनायत की चलाई कसीर तादाद में हमारी माँ बहनें भी तशरीफ रख रही हैं। बहुत सर्द पड़ चुकी हैं, आना जाना बिल्कुल भी उन लोगों का नहीं हो रहा है। शायद शायद जितना लाइक थे लोग इनाम दे दिए मदरसे को, उन लोगों ने ताउन पेश कर दिया। खैर आइए चार मिसरे अपनी माँ बहनों के हवाले से पढ़ता हूँ। एक हदीस के मफहूम को इस चार मिसरे में पिरोने की कोशिश बतौर खास मुलाजा फरमाएं। जो लोग अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं, एक मर्तबा बोले लहके सुभान अल्लाह। जो लोग अपनी सास से मोहब्बत करते हैं वो भी बोल सकते हैं सुभान अल्लाह। सास भी माँ है, उसको भी माँ का दर्जा मिला है, तो उसके भी नाम से बोले सुभान अल्लाह माशाल्लाह। पेश करता हूँ बतौर खास मुलाजा फरमाएं कि हर अमल का सवाब मिलता है, कि हर अमल का सवाब मिलता है। हमारी माँ बहने आप लोगों के लिए ये शेर पढ़ा जा रहा है चार मिसरे, आपकी मोहब्बतें मिलनी चाहिए इस चार मिसरे पे बतौर खास। कि हर अमल का सवाब मिलता है, हर अमल का सवाब मिलता है, सारे मांगो गुलाब मिलता है, हर अमल का सवाब मिलता है, सारे मांगो गुलाब मिलता है। और माँ के चेहरे, माँ के चेहरे, माँ के चेहरे को देखते रहिए, माँ के चेहरे हज का सवाब मिलता है, एक हज का सवाब मिलता है, एक हज का सवाब मिलता है, एक हज का सवाब मिलता है। और इसी सिलसिले का एक शेर और बतौर खास मुलाजा फरमाए कि छूटे दुनिया तो छूटे बहुत खूब, रिश्ता गैरों से टूटने नहीं देना। बहुत शुक्रिया शुक्रिया कि छूटे दुनिया तो छूटने नहीं देना, रिश्ता गैरों से टूटने नहीं देना, छूटे दुनिया तो छूटने देना, रिश्ता गैरों से टूटने देना। और माँ के कदमों, माँ के कदमों के नीचे माँ को हर किस न रूठने देना, माँ को हर किस न रूठने देना, माँ को हर किस न रूठने देना, माँ को हर किस न रूठने देना। अब आइए एक भोजपुरी कलाम पढ़ता हूँ, उसके बाद जहाँ से तमाम पेश करता हूँ बतौर खास मुलाजा फरमाए। बिल्कुल आसान लबो लहजे में आपके मतलब की शायरी पेश करता हूँ बतौर खास मुलाजा फरमाए। बोले एक बोले लहक के सुभान अल्लाह माशाल्लाह। असल प्रोग्राम को ये बच्चे हजरात ही मदारिस के तलबा हैं, यही प्रोग्राम को प्रोग्राम बना रखे हैं। जी जी पेश करता हूँ बतौर खास मुलाजा फरमाए के जगमग के जगमग 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 गुंबद सुबह मुझे एक शेर आया, याद आया था, ठंडी के ऊपर की इतनी सर्दी है कि बस रब्बा दुहाई मांगे। किसी का शेर है कि इतनी सर्दी है कि बस रब्बा दुहाई मांगे, जो है परदेश में उसी से रजाई मांगे। पेश करता हूँ बतौर खास मुलाजा फरमाएं कि जगमग 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 गुंबद के जगमग गुंबद
पसरा के मनहर लागे ते बते बके बहर लागेला। बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह माशाल्लाह के जग में के घूमता ते खजरा के मनहर लागे बते बते बके बहर लागेला जग में के घूमता ते खजरा के मनहर लागे ते बते बते बके बहर लागेला के उनके के दर पे के उनके के दर पे बाग जन्नत भी निसार लागे ते बते बके बहर लागेला ते बके बहर लागेला। यहां से बन पढ़ता हूँ बतौर खास मुलाजा फरमाए मेरे बहुत ही मुशफिक मुरब्बी हजरत मौलाना मुश्ताक साहब की दामत बरकात मुलालिया तशरीफ रखते हैं। पेश करता हूँ हमारे सदर साहब भी आ चुके हैं। पेश करता हूँ बतौर खास मुलाजा फरमाए के जग में के गुंबा के खजरा के मनहर लागे तहे बतहे बतहे बके बघघर लागेला के हमरे नबी का बाटे रुते बानी राला के उनके करम से फैलने सगे रो जहला के उनके जिस्म का के उनके जिस्म का पसीना भी खुशबू दहार लागे तहे बके बघर लागेला तहे बके बघर लागेला। और आखिरी शेर उसके बाद जमा के तमाम बतौर खास मुलाहजा फरमाए के जग मग गुंबा ते खजरा के मनहर लागे बते बके बघर लागेला के मोरे नबी जी रुख से परदा हटाता के अपने दीवाने को जलवा दिखाता के तोहरो देखे के तोहरो देखे बिना जियरा बेकरार लागे तहे बतहे बके बघर लागेला जग मखे घूमबा ते खजरा के मनहर लागे तहे बके बघर लागेला। मक्ता दुआओं के साथ पेश करता हूँ। बड़ी अच्छी इजामत फरमा रहे हैं हमारे मोहतरम मास्टर अनवर साहब मास्टर अशरफ साहब बतौर खास मुलाजा फरमाए के जग मग गुंबा ते खजरा के मनहर लागे पते बके बघर लागेला के चाहे जमाना छोटे छोटे के दिल काई गे अरे महान बाड़े के फैया बहसी के दिल काई गे अरे महान लागे तहे बके बघर लागेला।
जगमग गुमबाते हजरा के मनार लागे तहे पतहे पतहे बके बघार लागे ना।